मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस करें टू गेट मोर नोटिफिकेशंस। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एंड मेरा नाम है बबीता रावत। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। और मैं प्रेगनेंसी और बेबी से रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ अपने चैनल में। तो जो न्यू है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और सब्सक्राइब के साथ जो बेल आइकन बना होता है उसको भी आपको प्रेस करना होता है। बेल आइकन प्रेस करने से आप तक सारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन पहुँच जाती है जो भी वीडियोज़ मैं बनाऊँगी। तो आज मैं आपको बताऊंगी प्रेगनेंसी में कॉन्स्टिपेशन के कारण क्या होते हैं और उनकी रेमेडीज़ क्या क्या होती है। तो कॉन्स्टिपेशन का मेन रीज़न होता है फर्स्ट लो फाइबर डाइट। अगर आपकी डाइट में फाइबर कम है तो इस वजह से भी प्रेगनेंसी में कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम आ जाती है। और सेकंड है लेस फिजिकल एक्टिविटी, यानी कि अगर आप वॉक एक्सरसाइज कम कर रहे हो और एक्टिव नहीं हो तो उस वजह से भी कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम आती है। और थर्ड है कि आयरन टैबलेट्स भी कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम को करते हैं। अगर आयरन की डोसेज ज़्यादा हो जाती है तो उस वजह से भी कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम हो जाती है। तो उसका क्या सॉल्यूशन है, क्या रेमेडीज़ हैं, वो मैं आपको बताऊँगी। तो प्रेगनेंसी में वैसे भी हम कोई भी दवाई ऐसे नहीं ले सकते, तो इसमें सेफ़ रेमेडीज़ हमें यूज़ करनी होती है। तो सबसे फर्स्ट आपको क्या ध्यान रखना पड़ेगा, हाई फाइबर डाइट, ठीक है, क्योंकि जितना फाइबर रहेगा उतना ही कॉन्स्टिपेशन कम रहेगा। तो हाई फाइबर डाइट जैसे कि फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, यानी कि लिक्विड ज़्यादा लेना है आपको, और फ्रूट्स भी आप लीजिए और वेजिटेबल्स भी अच्छी अच्छी जैसे कि ग्रीन वेजिटेबल, पालक, बीन्स, जिनमें फाइबर जाता है ज़्यादा होता है, तो वो वाली वेजिटेबल्स आप ले लीजिए। और सेकंड रीज़न, अगर आप पानी भी कम पीते तो उससे भी कॉन्स्टिपेशन होता है, तो आप एटलीस्ट 2 से 3 लीटर वाटर आप रेगुलर पीजिए, तो उससे भी कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम में आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। और थर्ड ये है कि आप नारियल पानी भी पी सकते हैं, नारियल पानी भी कॉन्स्टिपेशन में बहुत रिलीफ करता है, और नारियल पानी वैसे भी प्रेगनेंसी में बहुत अच्छा रहता है। मैंने भी पूरे टाइम लगभग नारियल पानी पिया था, तो ये भी कॉन्स्टिपेशन को कम करता है। और उसके बाद ये कि आपको वॉक करना है, वॉक आपको वैसे भी डेली करना ही चाहिए 3 मंथ के बाद, तो रेगुलर वॉक करने से भी ये प्रॉब्लम काफ़ी हद तक कम हो जाती है। तो टहलना भी बहुत ज़रूरी है प्रेगनेंसी में, इससे भी आपको कॉन्स्टिपेशन में रिलीफ मिलेगा। और आपको एक और चीज़ करनी है कि आपको जो मील्स है वो आपको एक साथ ही नहीं खानी है। प्रेगनेंसी में ऐसा कहा जाता है कि 6 मील्स खानी होती है, तो उसका भी ये रीज़न है कि अगर आप मील्स को ब्रेक करके खाओगे तो वो डाइजेशन जल्दी होता है और इजी रहता है। एक साथ अगर आप सारी मील्स, मतलब 3 मील्स लोगे तो उसमें डाइजेशन में थोड़ा टाइम लगता है, और 6 मील्स को लोगे तो डाइजेशन प्रोसेस आपकी अच्छी रहती है, उससे भी आपका कॉन्स्टिपेशन कम होता है। और उसके बाद आप अपने, अगर आपकी आयरन की डोज ज़्यादा है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करके उसको कम करा सकते हो। अगर बाकी चीज़ें अप्लाई करने के बाद भी आपकी कॉन्स्टिपेशन कम नहीं होती तो आयरन भी उसका रीज़न हो सकता है, तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करके उसकी डोसेस कम करा सकते हैं। तो अगर आप ये टिप्स फॉलो करोगे तो आपको कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम अगर है तो वो ठीक हो जाएगी, और जिनको नहीं है तो उनको तो फिर पूरी प्रेगनेंसी में ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि मुझे भी प्रेगनेंसी में कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम नहीं हुई थी, क्योंकि मैंने पानी भी बहुत पिया था और डाइट का भी बहुत ख्याल रखा था, वॉक भी मेरा रेगुलर था। तो इस तरह से इन टिप्स को फॉलो करके आपको, आई एम श्योर कि आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी कॉन्स्टिपेशन में। तो ये थे मेरी इन्फॉर्मेशन कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।